ये जो पहली वाली पट्टी है ये पुरानी है इस साइड पे, हमारी वाली साइड पे। आगे फिर दूसरा जो नया एयरपोर्ट बना है, नया रनवे बना है सॉरी, और तीसरी वाली जो है वो F-16 की है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट्स PK452 एंड वी आर गोइंग इन बिजनेस क्लास टुडे बैक टू इस्लामाबाद। अनाउंसमेंट हो गई है जी कि आप जहाज़ की तरफ पैसेंजर जो हैं वो सारे जाएं, तो अभी ये सारे पैसेंजर जो हैं वो उठ के जा रहे हैं। हम भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में जाएंगे। हम सभी जा रहे हैं वापस जहाज की जाने, ज़्यादा काफ़ी ठीक है माशाल्लाह, उम्मीद तो हम टेक ऑफ हो जाएगा। पुराने वाला रनवे है, पुरानी वाली पट्टी है, आप समझे मेरे ख्याल में F-16 की फ्लाइंग यहाँ पर। Assalamu alaikum honorable guests and lovely guests. On behalf of Pakistan International, Captain Humayun Malik and his crew welcome you on board. Our flight time to Islamabad would be inshallah 45 minutes. Guarding, fasten your seat belt, bring your seat belt in a flight position. Close your wheel table and keep the major shutters open. Switch off all electronic devices and mobile phones or put them on flight mode, as their use may interfere with the navigation and communication system of the aircraft. They may be used after takeoff when the seatbelt sign are switched off or till the seatbelt sign are switched on for landing. Please ensure your hand baggage is placed properly in the hand rack. Use of electronics, including electronic cigarettes, is prohibited. We wish you a pleasant and comfortable flight with us. Thank you. We are on the runway now. हम जा रहे हैं अभी आगे से। वापस में मनाने के लिए इस परवाज पर लेग स्पेस से हासिल करने की सहूलत मौजूद है। इस सिलसिले में मजीद मालूम के लिए हमसे से राबता करें, शुक्रिया। We are on the way. रनवे पे आ गए। केबिन क्रू टेक योर स्टेशंस फॉर टेक ऑफ प्लीज। ये फिर रेड है जी, यहाँ से आगे अगर प्लेन जाएगा तो वो एमरजेंसी ब्रेक्स उसको अप्लाई करनी पड़ेंगी अगर किधर से लैंडिंग हो रही है जिस साइड पे हमारा फेस है। ये फिर रनवे के ऊपर जो टैक्सी वे है ये बना हुआ है टैक्सी करने के लिए जहाज। देखिए अभी ड्रम्स रखे हुए, ब्लॉक किया हुआ इसे व्यू को। 1 और इधर से 11। मोस्टली जो फ्लाइंग होती है स्कर्दू में वो स्कर्दू सिटी की जाने में होती है, मतलब टेक ऑफ जो है वो स्कर्दू सिटी की जाने में होता है और लैंडिंग भी स्कर्दू सिटी। जहाज का जो फेस होता है वो, ये देखिए आगे ब्लॉकेट्स लगी हैं, अगर खुदा न खास्ता जहाज यहाँ से आगे जाता है तो ये जो आगे से ब्लॉकेट्स हैं ये ऑटोमेटिकली डिप्लाई हो जाएंगी और ये आगे से जहाज को रोकेंगी ताकि वो आगे स्लिप करके रनवे से बाहर ना जाए। ये हम यू टर्न लेके मुड़ने लगे, ये रनवे है, इसके ऊपर टेक ऑफ करेंगे। वो 11 लिखा हुआ, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2 से आगे जहाज ने नहीं जाना, नॉर्मली ये 5 पे टेक ऑफ कर जाएगा। ये जो पहली वाली पट्टी है ये पुरानी है इस साइड पे, हमारी वाली साइड पे।
आगे फिर दूसरा जो नया एयरपोर्ट बना है, नया रनवे बना है सॉरी, और तीसरी वाली जो है वो F-16 की है, और यहाँ से ऊपर जो है वो सतपारा लेक है, और फिर यहीं से वो सब बिल्कुल फ्रोजन है, वहीं से रास्ता फिर जो है वो ऊपर जाता है। प्लीज़ वेलकम मुर्शिद दी नागा पर्वत। इस वक्त हम नागा पर्वत को क्रॉस कर रहे हैं और ऊपर सूरज बिल्कुल चमक रहा है, तो नागा का नज़ारा आज बड़ा ही कमाल है। वेदर आज बहुत क्लियर है, इस वक्त थोड़ा सा ब्राइटन लेने लगे हैं क्योंकि आगे चिल्लास का सिटी है और चिल्लास से आगे ब्राइट हो जाएंगे। वो आगे अगर आप देखें तो आपको दशाग्राम, अशाग्राम और केटू। इस वक्त हम श्रीनगर वैली के बिल्कुल पैरलर फ्लाई कर रहे हैं और ये जो रास्ता नीचे आपको डीप जहाँ पे बादल नहीं है, ये रास्ता चकोठी को जाता है और चकोठी से होकर फिर ये वाला रास्ता जो है आगे वो श्रीनगर को चला जाता है। इस वक्त आप समझे हम मुजफ्फराबाद जो है मुजफ्फराबाद के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। नीचे जो आपको शहर नज़र आ रहा है ये मानसेरा का शहर है, और जैसे ही जहाज़ बादलों में आया है अगर आप देखें माहौल ही चेंज हो गए। वाओ, अमेजिंग सीन्स। इस वक्त एग्जैक्ट बादलों के अंदर फ्लाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। ब्रांड वाली क्वालिटी मालिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीधी रखें, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स अलार्म और मोबाइल फोन बंद कर दें। तंबाकू दोषी बशमूल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का इस्तेमाल ममनू है। इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका दस्ती सामान एयरट्रक में रख दिया गया है। एक बात भी याद दहानी कराई जा रही है कि जहाज से बाहर निकलने के रास्ते जहाज के पिछले हिस्से में भी मौजूद हैं। इस वक्त बिल्कुल इस्लामाबाद के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। ये वाला कौन सा एरिया है? मुझे तो लगता है ये पिंडी है, वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। ये तो इस्लामाबाद का ही कोई सेक्टर लग रहा है। अच्छा, तो ये इधर से पिंडी वाली साइड से हो गया है। ओके, और अभी राइट मूव बना रहा है, इस साइड से लैंड करेगा। आई सी, गॉट इट। पिंडी से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। वो सामने बिल्कुल इस्लामाबाद मोटरवे है, और यहां से लैंडिंग हो रही है इस्लामाबाद वाली साइड से।